उत्तराखंड सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। इस साल उत्तराखंड में आई भीषण आपदा ने लोगों को आर्थिक व सामाजिक सभी रूप से प्रभावित किया है। यहाँ लोगों के व्यावसायिक भवन होटल टूटे हैं, वहीं गांव में लोगों के मकान और खेत बहे हैं। गांव से लेकर कस्बों तक जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इस आपदा से इसी अनुपात में लोगों की मानसिक क्षति भी हुई है। अब दिक्कत ये हो रही है कि रहने खाने की दिक्कत है, घर छोड़ना पड़ रहा है, तो इधर उधर जाने के लिए भी आप सोच रहे हैं कि कहीं पर दूसरी जगह पर चले जाएं। अगर ये मकानों पर दरारें पड़ गई हैं तो अगर ये गिर जाएंगे तो यहाँ पर भी सब के सब हम लोग दब जाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है, डर लगता है कहीं कुछ ना हो जाए, समुंदर न बढ़ जाए, गाढ़ गदरे ज़्यादा न बढ़ जाए, इस मारे डर के मारे बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते। ये पता नहीं है कि दिन में या कब बारिश हो या कब धूप आए या कब ये मकान यहाँ पर गिर जाए, इनमें दरारें पड़ी हैं, बगल में जो है तो बहुत खतरनाक भूस्खलन हुआ है। ये जो आंगन है, चौक हैं, ये सब बैठ गए हैं, मतलब नीचे दब चुके हैं, ये फट चुके हैं। तो ऐसी दशा में हैं कि जो जानवर हैं, डंगर हैं, बच्चे हैं, मतलब किसी भी टाइम पर ये नहीं है कि पता नहीं किस टाइम पर क्या हो जाए। किसी के घर में रह रहे हैं तो अब कितने दिन रहेंगे हम वहाँ, इतने बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं, 4-5 जानवर हैं, कहाँ ले जाएंगे हम उसे। आए हैं विभाग वाले भी आए हैं, उन्होंने कहा कि इस मकान को छोड़ दो, आप यहाँ मत रहो। अब जाएं तो एक रात के लिए अगर किसी के घर में जाएं, कोई गांव का कोई अच्छा व्यक्ति बोले भाई आप यहाँ पर रह लो एक रात के लिए, थोड़ा सा सेफ्टी रहो या जिंदा रहोगे, तो हमेशा के लिए मतलब ये दिक्कत है कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है या ये नहीं बताया जाता है कि भाई ये वाकई में रहने के लायक है या नहीं है। आपदाएं आएंगी, आपदाएं जाएंगी, इसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।